जैसा कि आप लोगों को पता है कि लखीमपुर की घटना कितने विवादों में रही, उसके बाद राज्य गृह मंत्री के जो बेटे हैं उनकी गिरफ्तारी हुई, पर लेकिन अभी भी किसानों के अंदर रोष है और अभी भी गृह राज्य मंत्री की जो इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। पर लेकिन आज मैं आपको बता दूं, आप देख सकते हैं यमुनानगर के मिल्क माजरा टोल प्लाजा की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जो किसान हैं, किसान यहां पर जो किसान जो शहीद हुए थे, जिनको गाड़ी द्वारा रौंद दिया गया था, जिनकी हत्या कर दी गई थी, तो उसके यहाँ पर जो श्रद्धांजलि दी गई है, सुखमनी साहब का यहाँ पर पाठ किया गया है, उसके बाद आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। तो मेरी सभी से अपील रहेगी, जो भी इस खबर को देख पा रहे हैं, साथ के साथ शेयर ज़रूर करते रहिएगा। देख सकते हैं तस्वीरें, मिल्क माजरा टोल प्लाजा की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर आज जो किसान जिनको गाड़ी द्वारा रौंद दिया गया था, उसके बाद उनकी आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर सुखमनी साहब का पाठ किया गया। और साथ ही साथ यहाँ पर सभी देख सकते हैं, सभी किसान आगू और महिलाएं हैं जो वो यहाँ पर श्रद्धांजलि देते हुए नज़र आ रहे हैं, देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में। तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख पा रहे हैं, साथ के साथ शेयर ज़रूर करते रहिएगा। लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, मिल्क माजरा टोल प्लाजा की ये तस्वीरें जो आपको देखने को मिल रही है। कुछ किसान नेताओं से भी बात करने की कोशिश करेंगे, तो बने रहिए हरियाणा 24 न्यूज़ नेटवर्क के साथ। तस्वीरें देखी आज लखीमपुर में, जो किसानों को गाड़ी द्वारा रौंद दिया गया था, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने के लिए मिल्क माजरा टोल प्लाजा पर यहां पर सुखमनी साहब का पाठ कराया गया था। प्रधान जी हमारे साथ है, संजू गुंदियाना जी। संजू जी, क्या कहेंगे आज? आज जो लखीमपुर में घटना हुई थी, बीजेपी के द्वारा किसानों की हत्याएं की गई थी, बीजेपी के गृह मंत्री के द्वारा अपनी गाड़ी, उसके लड़के के जो अपनी गाड़ी से किसानों को की हत्या की थी, हम जिसको कहेंगे हत्या, एक पत्रकार हमारा साथी था जिसमें उसकी भी मृत्यु हो चुकी है, आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे देश में आज शोक सभाएं रखी गई हैं, पाठ किए जा रहे हैं, घर गांव के गुरुद्वारों में पाठ हो रहे हैं उनकी श्रद्धांजलि के लिए, और बहुत से स्थानों पर जो है होमन करवाए जा रहे हैं, मंदिरों में पाठ रखे गए हैं। और आज यहाँ पर यमुनानगर में आज हमारा जो मिल्क माजरा गदोला टोल प्लाजा है, जहाँ पर लगातार 10 महीने से किसान बैठे हैं, यहाँ पर आज उन शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक शोक सभा रखी गई, सुखमनी साहब का पाठ किया गया और परमात्मा से विनती की गई उनके परिवार को इस दुख सहन करने की शक्ति दे और इस बीजेपी सरकार को सद्बुद्धि दे। संजू जी, गृह राज्य मंत्री के लड़के की जैसे गिरफ्तारी हो गई है, तो अगली मांग क्या है उसके, गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा भी? बिल्कुल इस्तीफा तो होना चाहिए, वो तो पहले ही हो जाना चाहिए था, वो तो इस निकम्मी सरकार को दिखना चाहिए था कि जब जुर्म साबित हो गया था, पहले तो मुकर रहे थे, बोलता था मेरा लड़का तो वहाँ था नहीं, लेकिन जब वीडियो सामने आई सब कुछ शीशे की तरह साफ हो गया और आज भी उसको कुर्सी पर बिठाए हुआ है। इससे नीच हम कहेंगे और कितना गिरेगी बीजेपी सरकार? क्या ऐसे सरेआम किसानों पर इसके मंत्री गाड़ियां चढ़ाएंगे? पब्लिक को रोंदा जाएगा, पब्लिक को मार कुचला जाएगा, इससे और शर्मनाक घटना क्या होगी? और बीजेपी के लिए भी इससे गुंडी गुंडागर्दी और क्या होगी कि आज भी उस मंत्री को गद्दी पर बिठाए हुए हैं। इलाहाबाद उपचुनाव होने जा रहा है, गोविंद कांडा को टिकट दिया बीजेपी ने, क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हैं हम यहाँ से जीत कर वो जनता बताएगी। वही गोपाल कांडा जिसके खिलाफ बीजेपी और आज जो जेजेपी के लीडर हैं वो प्रदर्शन करते थे, जब गीति का कांड हुआ था, जब एयर होस्टर थी जो उनके जहाज में, उसका उन्होंने बलात्कार भी किया था और फिर हत्या भी की गई थी, तब तो नारे लगाते कि अभी तेरे कातिल जिंदा है, अभी तेरे कातिल जिंदा है, इंसाफ चाहिए। लेकिन आज उन्हीं कातिलों के लिए वोट मांग रहे हैं और कितना गिरेंगे ये बीजेपी और जेजेपी के नेता, और कितना क्या बलात्कारियों को, हथियारों को संसद में, विधानसभा में बैठाएंगे तो जनता जवाब देगी और कोरा जवाब देगी। और भी हमारे साथ प्रधान जी मौजूद है, क्या कहेंगे सर? आज जो है 12 तारीख है और जो लखीमपुर के अंदर हमारे साथी शहीद हुए हैं उनका आज वहाँ पे भोग पड़ना है, इसीलिए जो SKM है उन्होंने सारी जगह हमें बोला कि सब जगह श्रद्धांजलि दी जाए और हमारा फर्ज भी था श्रद्धांजलि देने का, इसलिए हमने मिल्क माजरा टोल प्लाजा के ऊपर सुखमनी साहब का पाठ रखा, आनंद साहब के 6 पौड़ियों का पाठ हुआ और उनके लिए अरदास की गई है यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं यहाँ पर लाइव तस्वीरें कि आज यहाँ पर जो लखीमपुर में जो
किसानों को गाड़ी द्वारा रौन दिया गया था, तो आज उनका 12 तारीख लखीमपुर में भोग भी है। तो वहीं को लेकर पूरे देश में जहां जहां धरने चल रहे हैं वहां वहां सुखमनी साहब का पाठ किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है, लाइव तस्वीरें देख सकते हैं। तो मेरी सभी से अपील रहेगी जो भी इस खबर को देख पा रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करते रहे। आपने देखी तस्वीरें कि संजू गुंदियाना जी ने क्या कहा, और उसके बाद अब देख सकते हैं यहाँ पर जो लंगर है, जो गुरु का लंगर है वो भी यहाँ पर प्रॉपर चल रहा है। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। तो क्या कहेंगे, हम क्या कहेंगे, ये जो हमारे लखीमपुर में जो हमारे किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाई है, इसके ऊपर गुंडागर्दी क्या करेगी ये सरकार? कितनी डिक्टेटरशिप है इनके अंदर। किसान का दर्द तो क्या होता, किसान अन्न आता है, सारे देश को अन्न उपजा कर देता, उसके बदले में इसको कुछ भी नहीं मिलता। ये मिलता है कि उनके ऊपर गाड़ियाँ चढ़ाती है सरकार। ये बदमाशी है, ये बहुत कठोर अपराध है। गिरफ्तारी से नहीं काम चलेगा, तो अगर इस्तीफा नहीं देंगे, ये जो अपने गृह राज्य मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। पहले दिन तो उन्होंने कहा था कि हमारा लड़का वहाँ नहीं था, उसी गाड़ी में तो वो भाग गया था, गाड़ी छोड़कर भाग गया था, वो भाग गया था, फिर पकड़ा गया, पता था वो था गाड़ी में, उसी ने जो उनसे दूसरे बंदे थे उनको भी कहा था गाड़ियाँ चढ़ा के किसानों के ऊपर, मैं जिम्मेवार हूँ, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। और फिर उल्टा बोलते हैं भी किसानों ने मार दिया है किसी को। जब आप मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ाएंगे या मेरे किसानों पर भाइयों पर गाड़ी चढ़ाएंगे तो उनको बख्शा जाएगा तो? ये कोई एक ये भी नहीं है, अभी किसी को मार दिया, गणासी से मार दिया, गोली से मार दिया, ये ऊपर गाड़ी निकालना, ये कितनी बड़ी गुंडागर्दी है। ये सरकार गुंडागर्दी पे उतरा, ये इनकी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। हमारे को एक फायदा होया, बल्कि हमारे 4-5 जवान शहीद तो जरूर हो गए, पर संघर्ष इतना तेज हो गया आंदोलन कि आंदोलन हम जीत के दिखाएंगे इनको कुछ ही दिनों में। इनको इनका विरोध करेंगे हम, इनको जो वोट मिली थी वो भी खत्म होगी। ये गाड़ी चढ़ाने का ये फायदा होया, इनको नुकसान होया, फायदा तुम्हारा होया कि इनको एक सीट भी नहीं मिलने की यूपी में। अब बिल्कुल हराएंगे इनको, हमारे हजारों जत्थे जाएंगे वहाँ प्रचार करेंगे, इनको हराएंगे, इनकी कुर्सी को हलाएंगे। अब तक कुर्सी नहीं ली ना मोदी की, अब कुर्सी ही लेगी, तब पता लगेगा भी। एलाहाबाद उपचुनाव है और गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा को टिकट दे दी है, जिसका पहले बीजेपी और जेजेपी लगातार विरोध करती आई है, उसे ही टिकट दे दिया, क्या कहेंगे? वो तो कह रहे हमारे को इससे राजनीति से कोई लेना देना नहीं, हमारा सिर्फ अभी मानो बीजेपी का नहीं बनना चाहिए, कोई बन जोर कहीं भी हो चाहे इलेक्शन। वही कह रहे हैं ना कि हमारी आएगी, बीजेपी सरकार आएगी। नहीं आती, इनको तो वोट देती नहीं। हरियाणा में इनका सुपड़ा साफ हो चुका, पंजाब में सुपड़ा साफ हो चुका, अब यूपी में भी साफ हो गया। जमानता नहीं बचने की इनकी, तो इनके तो एक सीट भी नहीं मिलने किसी स्टेट में भी। क्या बात, मैं सारे इंडिया की बात सुना रहा आपको, इनको कहीं से एक सीट नहीं मिलने की। इनका सुपड़ा साफ ऐसे जैसे पहले इनको एक बार देख लिया था भाई, इनका राज हमने 6 रुपए करना भी गया था जब हमारा, और चिन्नी जूतियां के बदले में मिला थी। गोपाल कांडा को में तो बड़े दे रहे किसान जी, वहाँ कोई नहीं बड़े दिंदा जी, कोई नहीं कुछ नहीं, कोई नहीं कुछ नहीं दे रहा, जहाँ भी जाता है उसका बहिष्कार हो रहा है, पूरे जोरदार धक्के मार के निकाले धक्का मुक्की, और इसका बन जाएगा कहाँ से बन जाएगा? वो तो कह रहे हैं हमारी बिल्कुल जो मर्जी कह रहा जी, वादे तो सारे कर रहे जी, बिल्कुल एक उसकी जमानत बचा लो ही बहुत है जी। अपनी पिछले प्लान में 75 पार कहाँ थे यार, दुसंत क्या कैसी होगी यार, सरकार बन गई नहीं, अगर दुसंत ना समर्थन दे सरकार भी नहीं बना दी। अरे आने वाले टाइम में तो बिल्कुल सुपुड़ा साहब है जिनका, दुसंत भी खत्म है, दुसंत का तो वजूद ही खत्म है क्या, बिल्कुल दुसंत का वजूद ही खत्म कर लिया उसने अपने आप जी। देखो ना उन्हीं के देश को दुसंत रह रहा, लोगों ने उनके खिलाफ उसको वोट दी और उन्हीं की गोद में जाके बैठ रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ किया उसने? बिल्कुल उसका तो बिल्कुल सूढ़ा साहब है जी, आड़े आड़े टाइम में बिल्कुल एक भी सीट नहीं दी उसकी जी, अगर ना उसमें दंड ना करे आड़े आड़े टाइम में उसकी सरकार कर ले क्यों जी, अब नहीं होती, अब तो बिल्कुल खत्म है जी उसकी पार्टी, खत्म है। तो देख सकते हैं हम तो पुलिस से नहीं डरते जी, किसी मिलिट्री से नहीं डरते हम, इनका पुरजोर विरोध करें, मरने से हम डरते नहीं, मरते हूँ भी गए हूँ भी गए, पर इनके सिरों का मरेंगे, इनका कोई भी किसी किस्म का भी कोई इनका हथकंडा नहीं अपनाएंगे, हम चलने नहीं देंगे कहीं भी, सारे इंडिया में, हरियाणा की बात छोड़ो आप, सारे इंडिया में सब किसान जाग चुके हैं, तमिलनाडु जाग चुका है, आंध्रा जाग चुका है, मध्य प्रदेश जाग चुका है, महाराष्ट्र जाग चुका है, वहाँ पर सारे आते हैं। आप मैं वहाँ रह के आता हूँ, मैं अब तमिलनाडु में लगाता हूँ आंदोलन में अपने सिंगू बॉर्डर पर, वहाँ देखता हूँ सारे स्टेटों से बहुत बढ़ चढ़ कर जा रहा हूँ, तो 2000 आदमी डेली आ रहा है वहाँ। हाँ ये आंदोलन जो है इनके, ये तो उसको आंदोलन को तोड़ने के लिए करते हैं ऐसे काम, परंतु हमारा आंदोलन ज़्यादा बढ़ता जा रहा, इसकी तादाद बढ़ती जा रही, ये खत्म होने वाला आंदोलन नहीं है जी। हाँ जी, तो देख सकते हैं ताऊ का क्या कहना है कि ये आंदोलन तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन
लगातार आंदोलन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये जो तस्वीरें देख रहे थे आप, मिल्क मादरा टोल प्लाजा की ये तस्वीरें थी, जहां पर आज सुखमनी साहब का पाठ किया गया था। जो किसानों को गाड़ी द्वारा रौन दिया गया था, उसी को लेकर के आज उनका भोग भी था। और पूरे इंडिया के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा ने आह्वान किया था कि उनकी जो श्रद्धांजलि दी जाए। देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में। हाँ जी बोलो। एक बात और है जी, हमने अपने किसानों को कह दिया है, अगर कोई पुलिस वाला एक लाठी मारेगा हम चार मारेंगे, को गोली मारेंगे एक तो हम दो मारेंगे, हम इतना मुकाबला करेंगे जी। वो तो निकल दिया टाइम, जैसा महात्मा गांधी के बेचारा महात्मा गांधी रहे, भगत सिंह के हिसाब से चलेंगे। अब देश आजाद भगत सिंह ने करवाया था, सुभाष चंद्र बोस ने, लाला लाजपत राय ने, तांतिया टोपे ने, ये महात्मा गांधी ने नहीं, महाचक्की पीस का करवाया था और नून बनाया का कराया था आजाद पहला। उस टाइम भी ने देश विरोधी थे, अन्य अंग्रेजों के पिट्ठू थे, आज भी वही हैं, देश विरोधी हैं। ये हमारे पहचानने में गलती करके लोग इनको सत्ता इनके हाथ में सौंप दी, परंतु अब हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हमारा देश आजाद था, है और रहेगा। डंडे तो हर एक सरकारों में पड़े हैं, कांग्रेस कहाँ पड़े हैं यार। 10 साल उड्डा की सरकार रही, हमारा पानी का छिमटा तक नहीं मरवाया उनने, परंतु फिर भी हम उन्हें वोट नहीं देते। उन्हें हमारी बात उन्हें भी नहीं माननी थी, अध्यक्ष बनाया रखा था स्वामीनाथन रिपोर्ट का, उसने फिर भी लागू नहीं करवाई थी। सोनिया गांधी उसका कहना भी माना, तीनों कह नहीं था, वो भी मारा दूसरे मना। हम इन्हों किसी ने भी नहीं वोट देते, हम सारा का पुरजोर विरोध करेंगे। हाँ सारे का हम देंदी नहीं, हम तो अपनी सरकार बनाओगे। हम तो अपने माता रानी तो पहले भी करती थी, पहले नहीं माता रानी ने दी थी। अब मैं इनको गाड़ देती शाम को, कहते आए थे मैं 1000 लाठियां लो इनका मारने के लिए। जब 4-5 लाख किसान गए होंगे, 4-5 लाठियों की तो 1000 लाठी की क्या वैल्यू रह जाएगी? आप इसका जवाब दो। 1000 लाठी क्या वैल्यू जो 4-5 लाख किसान इकट्ठे होंगे? करनाल में क्या होया? क्यों माननी मारी बात? 4-5 लाख लाठियां चली गई थी माँ, उनकी 1000 लाठियां इधर इधर ही रहेगी। गोरा पुलिस खड़ी देख रही थी, मिलिट्री खड़ी देख रही थी, पुलिस खड़ी देख रही थी। हमारी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, अब ये कहीं कहीं 1 करोड़ों में जाएगी तादाद। अब करोड़ों हैं किसान, अब जीरी से ठह लेने दे, इन्हों गेहूँ बो लेने दे, अपने आलू ले लेने दे, फिर देख कितने लाख किसान निकलेगा। पुरजोर विरोध करेंगे सरकार का, और सरकार को बात माननी पड़ेगी, मुंह की खानी पड़ेगी। मोदी अपने दिल में से ये निकाल दे, मेरे पास फोर्स है, मेरे पास गाड़ियां हैं, मेरे पास बहुत असला है, असला हमने भी लेना पड़ेगा अगर ये ना मानने। उन्हीं का असला खोज कौन ही करेंगे? डरता नहीं है किसान? अब ये जितना हमारे को डराने की कोशिश करते हैं, उतना दिल खुलता जा रहा है किसान का। किसान का दिल ज़्यादा से ज़्यादा खुलता जा रहा है, किसान डरेगा नहीं है बिल्कुल भी। मर तो गई हम, और क्या मारेंगे हम? एक वीडियो डाल रहे हैं, उसमें क्या कह रहे हैं, कहा जब तक कहा हिंदू मुसलमान की फूट रहेगी मेरी प्रधानमंत्री कायम रहेगी, जब तक कहा लोगों में कहा अनपढ़ता रहेगी मेरी प्रधानमंत्री मौजूद रहेगी, जब तक अंबानी अंडानी का हाथ मेरे ऊपर रहेगा मेरे को कोई हरा नहीं सकता। अरे वो क्या है, उसको रावण जैसे हार गए, यहाँ तो चीज ही कुछ नहीं है। हम तो कहते हैं थोड़ा अपना अहंकार को छोड़ दे, किसानों के बीच में आके माफी मांग ले, उनकी शर्तों को मान ले, उनके कानूनों को रद्द करा के उनके साथ हो जा, तेरी सरकार भी रहेगी तू भी रहेगा, वरना ना तू रहेगा ना तेरा कोई नाम लेने वाला रहेगा ना तेरा दिया बत्ती करने वाला रहेगा, यहाँ तक हो जाएगा हालात। तो देख सकते हैं इनका कहना है कि ना कोई दिया बत्ती करने वाला रहेगा। लाइव तस्वीरें, तो मेरी सभी से अपील, जो भी इस खबर को देख पा रहे हैं साथ के साथ। हाँ जी कनाठ मारिए 5-4 भाई जो गल तो दे रहे हो मारे जो सके थोड़ा खट्टे कहाँ थे माता पता कहा झूठी माता पता रहो आगे कहाँ माता रानी कुछ नहीं आई इसमें वो तो फैम है उसके ये डर गया हुआ लठ देख कमारे माता का नाम तो उसने धक्के तो ले दिया माता बदनाम कर रहा है सारा बेईमानी आदमी माता लगा क्या उसकी अमीरी आदमी क्या लगा माता गरीब आदमी किया लठ देख कर देखा भी किसान फोड़ांगे भाई वोट की चोट पर फोड़ांगे रूम भी फोड़ांगे यहाँ तो ठवाए लठ जी तेरे ठवा हम भी ठावांगे यहाँ कानून है ना वो सारे अंग्रेज जो थे ना उनको फॉलो करते हैं लोग जैसे वो डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला था ना उनका इनका भी वही फॉर्मूला है जैसे अंग्रेज जो थे ना वो रेलगाड़ी चढ़ा दिया करते थे आंदोलनकारियों के ऊपर ये भी अपनी जो छोटी मोटी गाड़ियाँ इनके पास चढ़ा देते हैं पर उसका नुकसान क्या है नुकसान ये है कि आंदोलन और तेज हो जाता है ऐसी छोटी मोटी घटनाओं के बाद लोगों के अंदर जो इंसानियत होती है ना वो खड़ी हो जाती है आम आदमी जो है आज इतना परेशान है किसान परेशान है उस चीज़ की तरफ इनका ध्यान नहीं है
इनके तो नेता ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं कि हम ये करके दिखा देंगे, वो करके दिखा देंगे। MLA MP बनने से पहले हम क्या थे? हमने वो काम सारे छोड़ दे नहीं है, आज भी हम वही हैं। उनके बच्चे गाड़ी चढ़ा देते हैं उनके ऊपर। ये क्या है? ये सब बदमाशी है इनकी, और किसान को ये बदनाम करते हैं। इनको किसी को खालिस्तानी बोल देते हैं, किसी को नक्सलवादी बोल देते हैं। तो देख सकते थे ये तस्वीरें, जो भी इस खबर को देख पा रहे हैं साथ के साथ शेयर जरूर करते रहिए। आज सबकी अपनी अपनी अलग अलग विचारधाराएं थी जो लगातार BJP सरकार के ऊपर तंज कसते हुए नजर आ रही थी, JJP सरकार के खिलाफ तंज कसते हुए आ रही थी। तो अब मुझ मोहित को दीदी इजाज़त, धन्यवाद।